उत्तर प्रदेश के फतेहपुर स्टेशन पर गुरुवार को जब एक 18 महीने के बच्चे को दूध देने के लिए मंडुआडीह नई दिल्ली सुपर फास्ट ट्रेन करीब 9:30 बजे रुकी तो सभी यात्री हैरान रह गए। लोग हैरान थे क्योंकि 18 महीने के एक बच्चे के लिए ट्रेन में सफर कर रहे पिता ने रेल मंत्री को दूध उपलब्ध कराने हेतु ट्वीट किया। ट्वीट के महज 10 मिनट में दूध उस बच्चे के पास पहुंच गया जो भूखा था। दरअसल ट्रेन लेट चल रही थी और जगह जगह रुक रुक कर चल रही थी। बच्चा बार बार दूध के लिए रो रहा था लेकिन ट्रेन जिन जगहों पर रुकी थी वहां पर कहीं भी दूध नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में बच्चे के पिता ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु को ट्वीट करने का मन बनाया। सत्येंद्र यादव ने रेल मंत्री को ट्वीट करके कहा कि ट्रेन काफी लेट है, मेरे 18 महीने के बेटे को दूध चाहिए। ट्वीट मिलते ही रेल मंत्री ने इसके उत्तर में यात्रियों का फोन नंबर मांगा और आवश्यक व्यवस्था का आश्वासन दिया। इस पर सत्येंद्र यादव ने ट्रेन में सवार अपने भाई का मोबाइल नंबर दिया। सफर के समय गाड़ी उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद मंडल से गुजर रही थी। रेल मंत्रालय ने महाप्रबंधक NWR प्रबंधक इलाहाबाद मंडल को रेल यात्री की समस्या निदान करने का निर्देश दिया। इसके बाद रेल प्रशासन हरकत में आया और गाड़ी की पोजीशन चेक करने के बाद यात्री को ट्वीट करके कानपुर में आवश्यक व्यवस्था किए जाने की सूचना दी गई। दूध मिलने के बाद रेल यात्री सत्येंद्र यादव ने ट्वीट किया कि मेरे बेटे को दूध मिल गया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद।